किरदार रेबी दूसरों पे इसलिए इल्जाम लगाती है कि खुद को मेरे सामने साफ कर सके। जिन्हें तू पसंद नहीं करती वो तेरे रास्ते से हट जाए, जो तेरे आशिक है उनसे तू आगे लड़ा सके। मैं तुझे भागदा मत समझू, पूरा मोहल्ला तेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहा है। अरे तू तो हाफिज कुरान है, तुझे कुरान की भी लाज नहीं आई जो बदकिरदारी से मना करता है? बदकिरदार औरत, मेरी बात गौर से सुन। ये शबे जुमा मौलवी देर तक मस्जिद में होगा, तो साथी को जाके मेरा पैगाम दे दे कि दरवाजा खोल के रखे, मेरा इंतजार करे। तुम उससे रात में मिलोगे? मौलवी की वापस आने से पहले मैं निकल जाऊंगा वहां से। और दूसरे लोग? मैं ये बात थोड़ी कर रहा हूँ, रात की 11 बज जाएगी। तुम ऐसा हरगिज मत करना, बल्कि सोच रही मत। तुम खुद तो मर ही रहे हो, साथ में मुझे भी मरवाओगे निशान? पागल हो गए हो तुम, पागल। तुम दस मिनट डरने की कोई बात नहीं, लेकिन तू फिक्र न कर। खुदा ना खास्ता अगर मैं पकड़ा गया तो तेरा नाम नहीं लूंगा। लेकिन अब्दुल्ला तुम्हें ये काम मेरा करना होगा यार। सिशान खुद भी आग पर चल रहे हो, मुझे भी मजबूर कर रहे हो। अभी कुछ मत कहो साथी, कुछ देर तुम्हें देखना चाहता, हमारे साथ रहना चाहता। प्लीज अभी कोई सवाल जवाब मत करो। जाओ तुम यहां से, भूल जाओ तुम मुझे। आज के बाद ना मैं तुम्हें देखूंगी और ना तुमसे मिलूंगी। क्या कह रही हो शादी? ठीक कह रही हो, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगा। मेरी वापसी का रास्ता भी एक मौत, मेरे उन ख्वाबों की मौत जो मैं तुम्हारे साथ बचपन में देखे थे। वो सारे ख्वाब बचपन की तरह ख्वाब ही रह गए। हकीकत यही है कि तुम्हारे और मेरे रास्ते अब अलग हैं। अलग हैं नहीं, अलग कराए गए। इसीलिए मैं अब इस रास्ते पर चल चुका हूँ जो तुम पर आके खत्म। क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हारी नहीं नहीं हो सकती मैं तुम्हारी। अब अगर ऐसा होता तो तुम आज दरवाजा नहीं खोलते। कोई और बात थी? और बात नहीं, तुम सिर्फ मेरी और हमेशा मेरी रहोगी। तुम्हारा दिल मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी। ये जिस्म मौलवी की कैद में, लेकिन तुम डरो मत, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँ, ऐसी जगह जहां तो ये ना मौलवी आ सकेगा और ना ही मेरे डैड।
जाना है। बात है सही, क्या कर रही हो? पानी पी रही थी। तुम्हारे मुंह पर क्यों पसीना? पसीना बहुत बुरा ख्वाब देखा, अचानक जाग गई, बहुत प्यास लगी थी, शायद इसी वजह से पसीना है। चुप बोल रही हो अर्फा? क्या कहा मैंने? वो कौन है? कब से ये सिलसिला चल रहा? मैं खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों को वहां मिलते हैं। मैंने आवाज दी तो मांग निकला, तुम यहां न आओगे। चुप बनने की कोशिश मत करो, बोलो दबाव कब से ही चल रहा है गुना? खुदा की कसम मैं तो अभी नींद से उठी हूं, मैं बाहर किसी से लेना, तुम दोनों को दफना नहीं देना। इस बात की इस घर में बिनक भी नहीं पड़नी चाहिए।
बात है। नहीं मैं अंदर जाऊं। साजदा पे नजर रखो। वो क्यों? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, सवाल मत करो। हमारी गैर मौजूदगी में इस पे नजर रखो, फिर मुझे बताओ। क्या खबर है तुम्हारे? कुछ पता नहीं चल रहा। साईं बहुत गुस्से में, उसने सब बड़े तालमों को तलब किया, तुम्हें भी बुला रहा है। मुझे भी? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम बड़े तालम नहीं हो क्या? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा रुमाल उसके हाथ में चला गया था, तो तुम्हारे पास ये रुमाल कहाँ से आया? ये रुमाल तुम्हें भाग के जब कमरे में दाखिल हुआ था तो किसी ताले का पड़ा था, फिर फौरन अपने सर पे डाल लिया। क्या पूछेगा मौलिया, क्या जवाब देंगे? मुझे क्या पता, तुम जल्दी से जाओ वरना उसको तुम्हारे पे शक हो जाएगा। अगर तुम मुझे पहचान लिया तो? जान भी सकता है क्योंकि वो आंखों में घूरता है और मुजरिम को चेहरे से पहचान कर सबसे अलग कर देता है। उतारो अपने उल्टी करके मुझे दिखाओ।
क्या हुआ साईं, कोई चोरी हुई क्या? अब पता चल जाएगा तुम्हें, कमाल कहाँ है तुम्हारा? रुमाल कमरे में होगा साईं, जल्दी में आ रहा था तो भूल गया। यहाँ जाकर अपना सबक पढ़ो, बाद में बात करूंगा तुमसे। अम्मे चलो। मुझे पता है तुम मेरी आवाज सुन रही हो, और अपने बुढ़े शौहर के डर से तुम दरवाजा नहीं खोलोगी ना मेरी आवाज का जवाब दोगी। मुझे बड़ा अफसोस है, उसने कल तुम्हें बहुत मारा है। मैंने बाहर तुम्हारे रोने की आवाज सुनी थी। ओ अगर तुम को ना, तो मैं उसके दोनों हाथ तोड़ दूं, कली में पकड़ के उसकी हड्डी पसली कर दूं। तो सिर्फ तुम्हारी इजाजत चाहिए। अगर तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे सकती, दरवाजा खोल के इशारा कर दे और मैं तेरी हाँ समझूंगा। आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, और बुढ़ा घर में है। ओए, तूने मेरा हाथ नहीं छुड़वाया, तूने आज ही अपनी बर्बादी का आगाज किया, तो अब मैं तेरा एक बार नहीं 100 बार हाथ पकड़ूंगा, ऐसी जगह पे लाके घेरूंगा कि तू याद करेगी, ये मेरी जुबान है। और तेरी बहन लगती है या तेरी चाचे की बेटी, तो तुझे उसकी बदनामी कितनी फिक्र पड़ी है? सबक नहीं पढ़ रहे तुम अपना? लेकिन साईं मैंने तो अब तक सबक सुनाया ही नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे पता नहीं है? साईं मैं तो हमेशा अपना सबक याद करता हूँ, आपने खुद मेरी तारीफ की है। मेरे साथ जुबान लड़ा रहे हो? क्या समझते तुम अपने आप को, शेख सादी?
आओ मेरे साथ कुतुबखाने में। तुम्हारे रुमाल के बारे में पूछा था, मिला तुम्हें तुम्हारा रुमाल? नहीं साईं, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। ये किसका रुमाल है? शायद मेरा ही। शर्म भैया, तुम्हें मैंने इस मदरसे में बाला पोसा है, मेरी रग रग के अंदर मदरसे की मुकद्दस रोटी शामिल, और तुमने मेरे पेट में छुरा घोंप दिया। क्या किया मैंने साईं? मेरी ऐसी क्या गलती है? मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, उसका बाप बराबर होता है, उसकी बीवी माँ बराबर। तुमने उस रिश्ते की भी लाज नहीं रखी। रात के मेरी बीवी से तुम मेरे घर में नहीं आए हो। बीवी से? नहीं साईं, ये गलत है, ये इल्जाम है मुझ पे साईं, मैं गरक हो जाऊं। साईं, साईं कुरान पाक की कसम साईं, रख तो उस मुकद्दस किताब को। साईं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साईं, गरक हो जाऊं मैं अगर ऐसा कुछ करूं तो। मैंने तुम्हें खुद देखा, और जब तुम भाग निकले एक बार मेरा हाथ में आ गया। साईं रुमाल तो हम सबके पास ही एक जैसा है, हम सभी एक ही रुमाल इस्तेमाल करते हैं। इस रुमाल पर इत्र लगा हुआ है, तुम अपने रुमाल पे गुलाब का इत्र लगाते सुंगुर से। साईं गुलाब का इत्र भी हम सब लगाते हैं, आप ही ने बोला है सुन्नत होती है। अभी मुझे सिर्फ शक है, जब ये शक तस्दीक में तब्दील हो जाएगा तो मैं तुमसे खूब निपटूंगा। तब तक तुम्हें इसके बारे में किसी से फिक्र नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हो यूसुफ भाई? वो दिखता नहीं है, वो आई लव यू बिल्कीज लिखा है, वो मर जाएगी, बदनाम हो जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। और वो तेरी बहन लगती है या तेरी चाचे की बेटी, तो तुझे उसकी बदनामी कितनी फिक्र पड़ी है? तुमने देखा नहीं था, एक सबके सामने मुझे धक्का दिया था। और सुन, और अगर किसी को पता चला कि ये काम मैंने किया है या हम में से किसने किया, अब्दुल्ला ये मेरा अपना रुमाल है, वो हमाद का रुमाल था जो मौलवी के हाथ लग गया। मैं जब सादिया से मिलने गया था तो गलती से हमाद का रुमाल पहन गया। मतलब इसी वजह से हमाद भाई को मार पड़ी है?
मेरी वजह से फंस गया था। वो करना कुछ और चाहता हूँ और हो कुछ और जाता है यार। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम्माद भाई एक शरीफ, ईमानदार और 5 वक्त के नमाजी तालिब है। उन्होंने आज तक किसी को तकलीफ पहुंचाई नहीं है। ना खुदा जानता है मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मौलवी तो पहले से हम्माद पे शक कर रहा था। तानी उसने अब सादिया की क्या हालत कर दी होगी। अब्दुल्ला तुम एक काम करो, घर जाके पता लगाओ कि सब खैरियत तो है ना। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, अब्दुल्ला प्लीज घर जाके पता लगाओ। ठीक है। इसे कैसे हिम्मत हुई हमारा खाना लाने की? हैं? आज तो खाना बनाया भी इसी ने। क्यों? अरे हाथ टूट गए थे क्या? पहले भी खाना यही बनाती रही है, आज बना दिया तो ऐसी कौन सी बात आ गई? पहले तो कभी एतराज नहीं किया आपने। मैं आज की बात कर रहा हूँ, पहले की नहीं। बारी इसी की आज खाना बनाने की। हट जाओ मेरी नजरों से, तुम्हारी मौजूदगी में मेरे हलक से नीचे नहीं कुछ उतरेगा। और खबरदार, अगली बार मेरे पानी को भी हाथ लगाया तो। तुम क्यों आ गए हो यहाँ? ऐन खाने के वक्त मुंह उठा के आ जाते हो। मदरसे से जो हिस्सा मिलता है उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता? हमने पेट पे पत्थर बांध कर तालीम हासिल की, इस मकाम तक पहुंचे। नवाओ हमें, इधर आओ। हेलो, इससे बढ़ के मौका कब मिलेगा तुझे? मौलवी के गुस्से का रुख जो है वो साजदा से हटा के सादिया की तरफ कर दे। ठीक हो जाएगा, तुम खुद को अलगान मत करो। मैं अचानक इतनी गलीज और इतनी नापाक हो गई, इस घर के खाने पीने को हाथ भी नहीं लगा सकती। किसने कहा तुम नापाक हो? तुम बहुत मासूम हो। वो मर देना, किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल रहा होगा। कहता है कि रात को मैं किसी गैर मर्द से मिली और उसका कहना है कि उसने मुझे खुद देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। को तो रात को सही तरह से नजर भी नहीं आता। ऐसा क्या देखा होगा उसने जो मुझ पे कयामत ढा रहा है? मुझे तो लगता है कि किसी और के किए की सजा भुगतती हूँ। मैं तो ऐसी नहीं हूं ना, तुम जानती हो ना मुझे। सब सही हो जाएगा। तुम ये नहीं जानती कि मेरा दिल तो सचमुच मेरे हाथों से निकल चुका है। खुदा करे मौलवी को इसकी भिनत ना पड़े। आबदा, तुम्हें कुछ पता है कि मौलवी का नज़ला साजदा पर क्यों गिरा है?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि घर में जरूर कुछ होने वाला है। मौलवी का गुस्सा बहुत बड़े तूफान का इशारा दे रहा है, कहीं इस तूफान की लपेट में हम दोनों ना आ जाएं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिलहाल ये तूफान साजिदा पे ही गिरने वाला है। साजिदा पे नहीं गुजरना चाहिए, सादिया पे गिरना चाहिए। जेवर तो उसी ने चोरी किए थे ना। ये समझ में नहीं आ रहा कि मौलवी खामखा में से अपने सर से क्यों नहीं उतार रहा। बात यह है कि छोटी बीवी की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। मर्द की फितरत का अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें अभी तक। लेकिन आपदा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मौलवी वैसे सादिया का एतबार खत्म कर दोगी। सारा वक्त हाथ लगाए फिरती रहती हूँ, कोई मौका ही हाथ नहीं आ रहा। क्या करूँ मैं? यो पागल, इससे बढ़के मौका कब मिलेगा तुझे? मौलवी के गुस्से का रुख जो है वो साजिदा से हटा के सादिया की तरफ कर दे। देखो, मेरी बच्ची बिल्किस जो है ना, वो इस सादिया की वजह से खराब हुई है, साजिदा की वजह से नहीं। कभी टिक के ना बैठना एक तरफ, कभी टिक के ना बैठना। चलो चल के वजू करके नमाज पढ़ो, चल के चलो, हर वक्त खेलों में लगी रहती हो। मैं दम किया हुआ है। क्या ये? आई लव यू बिल्किस, दिल भी बना है। जानती है इसका मतलब क्या होता है? जाहिल से जाहिल आदमी भी जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। फिर इस पे तो तेरा नाम भी लिखा है। मैं आज तक तुझे नहीं समझ सका, लोगों को तेरा नाम भी पता है। एक बात पूछो मौलवी साहब। क्या बात है? आप दोपहर से बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, दिन का खाना भी नहीं खाया आपने। साजिदा से ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से आपने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया? मैं आज मौज रही हूँ। असल में मैं और जैनब आपकी वजह से बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। अगर कोई घर का मसला है तो आप हमें बताएं, हो सकता है कि हम आपकी कोई मदद ही करें। मैं सोच रहा हूं कि कहीं बीवी के रूप में साजिदा दिन का सामने नहीं, जिसे मैं पाल रहा हूं, इस पर इस बात में मुझे यकीन हो गया, पता चल जाएगा और मैं शाम के सर खुद को चल दूंगा। असल आस्तीन का सांप तो सादिया है, जिसे ना बड़े छोटों का अदबो लिहाज है, ना पर्दे की कोई शर्मो हया है। मुझे तो लगता है आपके संदूक में से जो जेवरात चोरी किए थे ना, वो भी सादिया ने ही किए थे। कहीं उस साजिदा को सामने रख के आपकी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रही? कौन किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है और कौन किससे खड़कता है हमें अच्छी तरह मालूम है।
हमारे मशवरों की इसके लिए तब एक तो इस बिजली ने जिंदगी अजीर्ण कर दी है। बाहर जाकर देखो, देखो आसपास की तार तो नहीं उड़ी। जी जी मसूद भाई। अरे अब्दुल्ला, क्या बात है? मसूद को क्यों आवाज दे रहा है? साईं के घर की बिजली खराब हो गई है, इसलिए मसूद भाई को बुलवाया। अरे तो मसूद को जाके बताने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं ठीक कर देता हूँ बिजली जाकर। पहले ही तुम्हारी वजह से दो बिगनाओं पर आफत आ पड़ी है, भूल रहे हो? साजिद बीबी और हमाद भाई, और तुम कह रहे हो तुम्हें मस्जिद जाने दो साईं के घर। अरे अब्दुल्ला, अब बार बार ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा तू फिक्र ना कर, मैं खुद ही दरवाजे पे नॉक करता हूँ और बिजली ठीक करने का कहता हूँ। शाबाश। यहां छुपी बैठी हो, मैंने उसे मिटा दिया है ताकि दिन में उसे कोई ना देखे। लेकिन पता नहीं दिन भर में उसे कितने लोगों ने देखा होगा, किस किस घर में किस किस जुबान पर मेरी रुसवाइयों के चर्चे चल रहे होंगे। किसी ने ना भी देखा हो तो दीवार पर लगा धब्बा लोगों के जहन में सवाल पैदा करेगा। तुमने मुझे कहीं का ना छोड़ा बिल्कीज बेगम, कहीं का ना छोड़ा। Song.